नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। अगर जो भी कैंडिडेट इस पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, लिंकडिन, इंस्टाग्राम सब पर शेयर जरूर करें। आइए, SSC डिपार्टमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया पोस्टें खोली हैं 10th-12th बेस पे, जो कि पोस्टों को आप पूरी डिटेल में हम समझाएंगे। हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, कोई भी इस वीडियो को स्किप ना करे जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC ने अलग अलग पोस्टें खोली हुई हैं जिसका नाम पोस्ट 9 है। ये जरूर ध्यान रखिए क्योंकि पोस्ट 8 भी आई है, 7th भी आई है। इसमें पोस्ट 8 में ये SSC की पोस्टें खुली हुई हैं, ठीक है जी। उसकी स्टार्टिंग डेट 24 सितंबर से है, जो कि लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, और इसकी फीस की लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। और ऑफलाइन अगर फीस आप चालान के रूप में कटाओगे तो 1 नवंबर तक है, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन 28 अक्टूबर तक फीस है जी। और इसका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो कि जनवरी फरवरी 2022 में होगा। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें, जनरल और OBC के लिए 100 रुपया फ़ीस है, और SC ST के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये फ़ीस है, और उसके बाद ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपये हैं। और सारी की सारी ऑनलाइन होगी। अगर कोई ऑफलाइन करवाने के इच्छुक हो चालान के तौर पे, तो वो 1 नवंबर को अपनी फीस जरूर 1 नवंबर से पहले ऑफलाइन जरूर करवा लें। और इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 साल से लेके 30 साल की एज लिमिट है। बट ये देखिए, इसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं, जैसे आपका कौन सा रीजन आता है, रीजन भी आपको इसमें पूरा समझ आ जाएगा, बता दूंगा वो भी वीडियो के एंड में। जैसे मान लीजिए हमारा 9th रीजन आता है, और यहाँ पे आपने फेस 9 जो कि मैंने स्टार्टअप में बताया, 7th और 8th भी आता है, बट आपने यहाँ पे 9 करना है। क्योंकि मैंने अब एज वाइज खोला है तो ये एज की लिमिट है हर एक के लिए, मैक्सिमम ज़्यादातर 18 से 30 साल है, नहीं तो 18 से 27 साल 25 साल। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिसमें पोस्टें खुली हुई हैं, इसलिए अलग अलग के लिए अलग अलग अपनी कैटेगरी वाइज एज जरूर देख लीजिए, ताकि एज 1 जनवरी को कम से कम 1 जनवरी 2021 को कम से कम 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा एज पोस्ट वाइज डिपेंड करता भी 27 साल है, 25 साल है, 30 साल है। और बात कर लेते हैं जोन वाइज पोस्टों की, वही सेम पैटर्न खुल जाएगा, ठीक है जी। हमारा जैसे नॉर्थ वेस्टर्न में या नॉर्थ में आता है, नॉर्थ फेस आता है, फेस 9 ही क्लिक करना है। इसमें जैसे जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस की पोस्टें खुली हुई हैं, जिसमें कि आपको बैचलर डिग्री मांगी हुई है 1 साल का, फिजिक्स कंप्यूटर इसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है साइंस में, यानी कि BSc में, और फिजिक्स कंप्यूटर साइंस में इसमें मांगी हुई है। इस तरह आप कौन सी पोस्ट फिलअप करना चाहते हो वो आपको पूरे का पूरा बता दिया गया। अगर आप इसको बैक करते हो तो आपको रिसबमिशन जरूर करना पड़ेगा, यानी कि रीस्टोर जरूर करना पड़ेगा। और आपको इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मड क्लस्टर के लिए अलग पोस्ट है, इसको आप इसी व्यू में भी खोलोगे, ठीक है जी। और यहाँ से मड क्लस्टर की जो भी क्वालिफिकेशन बता रखी है वो दिखेगी आपको, वैकेंसी बता रखी है किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या है, ठीक है जी। इसी तरह आपको टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, कौन से लेवल पे है, किसके लिए क्या, कौन कौन सी पोस्टें, और ये जरूर देखिए बैक करने के बाद आपको रिसबमिशन करना होगा। जैसे बात कर लेते हैं मैट्रिकुलेशन पर, जैसे मड प्लास्टर की आपको बता दी थी 10th बेस पे है, पेंटर की और कैंटीन अटेंडेंट की इसकी 10th बेस पे है, लेवल 1 है, ये देखिए 10th बेस है, और 8 पोस्टें हैं। आपको नोटिफिकेशन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कैटेगरी वाइज, ठीक है जी। और उस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि रीड ना करने कारण मिस भी हो सकता है। और इसको फिर सबमिशन करना है, और उसके बाद जैसे आपको इसकी बता दी है मैंने पोस्टें, ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसी तरह आप सारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस तरह सबकी आप चेक कर सकते हो, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या क्या मांगा हुआ है, क्या क्या डिटेल है, ठीक है जी। इस तरह आप इसमें भी चेक कर सकते हो, ये लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैकेंसी वाइज पोस्ट और एज लिमिट वगैरह वाइज पोस्ट
वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं टोटल पोस्टों की, 3261 पोस्टें, बहुत बढ़िया पोस्टें हैं जी, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। इसमें 10वीं मांग रखी है 10th क्लास पास आउट हो, पास आउट हो, ये नहीं भी पास कर रहा हो परस्यूइंग में हो, नहीं, पास आउट किया हो। इंटरमीडिएट यानी कि 12th 12वीं क्लास पास आउट मांगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन अलग अलग डिग्री जैसे आपको बताया था, बैचलर इन एनी स्ट्रीम जो जो स्ट्रीम की मांगी हुई वो आपको फेस में बता दी थी, ठीक है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसकी फेस 9 की, जनरल के लिए 1366 पोस्टें हैं, एससी के लिए 470 पोस्टें हैं, एसटी के लिए 249 हैं और ओबीसी के लिए 788 पोस्टें हैं। और ईडब्ल्यूएस एक्स इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए 388 पोस्टें यानी कि 3261 पोस्टें टोटल हैं। इसीलिए आप जैसे अब रजिस्ट्रेशन करोगे तो सारा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, अगर यस आधार कार्ड पर कर दोगे तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहीं से उठा लेगा। और आपको इसका पूरा प्रोसीजर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज नंबर बता दिया जाएगा कहाँ पे इसका पूरा प्रोसीजर है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मैं खुद नहीं भर सकता बट मैंने फॉर्म भरवाना है, तो वो कैंडिडेट हमारे से संपर्क करके ऑनलाइन भी अपना फॉर्म फिलअप करवा सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, बट उसको जो चार्जेस होंगे वो फीस समेत पहले चार्जेस पे आउट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और हमारे व्हाट्सएप फोन पे गूगल पे नंबर पर व्हाट्सएप कराने पड़ेंगे, वो आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। या जैसे मोबाइल नंबर मांगा है, मेल आईडी मांगी है, और जैसे मान लो हरियाणा जो पंजाब राजस्थान जो भी है वो मांगा हुआ है, ठीक है। पूरी डिटेल आपसे मांग कर कौन से बोर्ड से आपने किया है एजुकेशन कन्फर्म करके, फिर उसके बाद एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी है, उसके बाद फिर फोटो सिग्नेचर के बाद आप पे मांगेगा कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, दैट्स क्लियर। और बात कर लेते हैं उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको वही डेट बताई हुई है, 24 सितंबर से स्टार्ट है, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और 28 अक्टूबर तक आपने फीस पे आउट करनी ऑनलाइन, ऑनलाइन मेथड है जी सारा। और आपको इसके पूरे में एनालाइजर भी मिल जाएगा, अगर वीकर इकोनॉमिक सेशन है आपका तो इसमें आपको एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, लैक्सेशन पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, 10 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल। इसी तरह पूरा ये नोटिफिकेशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नाम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टॉप में। और इसी तरह आपको बता देते हैं पूरी डिटेल में, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आपको ये बताएं इसमें जो एग्ज़ाम होगा, सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम जनरल इंटेलिजेंसी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है जी। और जनरल अवेयरनेस इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा। इंग्लिश बेसिक नॉलेज इसमें 25 मार्क्स का होगा और 50 नंबर का मार्क्स का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल में 60 मिनट मिलेंगे। टोटल में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है जी, जो कि 200 मार्क्स के होंगे। और ये पूरे का पूरा आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। सारे का सारा ऑफलाइन और ऑनलाइन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है जी, ये भी आपको बता देते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट वाइज पूरी कैटेगरी के लिए, उसमें शायद इसका 75 पेज है, ये एनालाइजर आ जाते हैं आप कौन से वीकर सेशन में आते हो। और इसमें जो आपको पहले भी मैंने बताया, इस तरह की कोई भी फोटो अपलोड ना करें, इस तरह की अलाउ नहीं है, इस तरह की अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, इस तरह की अलाउ है पूरी प्रॉपर में हो, प्रॉपर वे में, क्लियर विजन में हो, उल्टी सीधी कोई भी अलाउ नहीं है, ये देखिए टू स्मॉल भी अलाउ नहीं है, ठीक है जी, ब्लैक बैकग्राउंड भी अलाउ नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपको बताया था 76 पेज पे जो आपको फॉर्म फिलअप का पूरे का पूरा नाम दिया गया, पूरा डिटेल दी गई है, आप इस तरह अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई टिपिकल नहीं है फॉर्म फिलअप कराना, ठीक है जी। अगर कोई कैंडिडेट कहता है हमारी हेल्प के लिए आपको सिर्फ हेल्प दे दी जाएगी एनी डेस्क के, अगर आप गलत करोगे वो भी आपको बता दिया जाएगा, भाई जी यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे करो, कैंडिडेट को पूरे डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है जी। वो भी आप हेल्प ले सकते हो, उसमें फीस चार्जेस आपने करनी है, फीस पे भी आपने करनी है, उसमें सिर्फ आपको गाइडेंस के जो चार्जेस पे आउट करने होंगे वो गाइडेंस के पहले पे आउट होंगे, उसके बाद प्रॉपरली गाइड आपको कर दिया जाएगा।
ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे थे, उसके बाद आपने एग्री सेव कराना है। एग्री सेव करने के बाद आपको ये फॉर्म फिलअप में मिल जाएगा, और इसके बाद आपको इस तरह अपनी एजुकेशन देनी है। ये पूरा पूरा परफॉर्मा आप देख सकते हो, 75 पेज से स्टार्ट है, और उसके बाद आपने फ़ोटो सिग्नेचर अप्लाई करनी है जी, ठीक है। और उसके बाद पोस्टों की बात कर लें, कैप्चा फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है। उसके बाद पोस्टें, ये पोस्टों की डिटेल है, 85 नंबर पेज पे पोस्टों की डिटेल है। आप पूरी पोस्ट कैटेगरी वाइज OBC SC ST अदर के लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं वो पूरी की पूरी डिटेल इस 85 पेज नंबर पर आप चेक कर सकते हो। और मैं यही रिकमेंड करूँगा, पहले ही आप इस डिटेल में देख लीजिए कौन कौन सी फिलअप करनी है, वो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आइएगा। इसकी ये जो ऑफिशियल साइट पोस्ट वाइज आपको बताइए, इस पर बाद में ही आइएगा, पहले आप यहाँ से जो आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन है प्रोवाइड करवाया गया, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप पहले अपना पूरी डिटेल, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न, ये सारी कैटेगरी, ये जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है NWS, उसमें कौन सी हैं, जैसे मान लीजिए NR नॉर्थ रीजन में कितनी है, ये रीजन वाइज पोस्टें पूरी बताई गई हैं जी, ठीक है जी। आप इसको पूरे देखिए, ये देखिए साउथ रीजन वाइज पोस्टें, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको मत स्किप कीजिएगा। 85 से लेके नियर अबाउट 111 तक ये पेज आपको पूरे रीड करने हैं, क्योंकि हर एक रीजन में अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग सब कुछ है। ये आपको 85 पेज से लेके आगे का पूरा लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को कोई भी स्किप ना करे, पूरी वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ना नहीं आता तो आपको ये PG पे JPG में भी अप्लाई प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जी, ठीक है जी। ये आप 85 पेज से लेके 111 तक आप पूरा रीड कीजिए। और इसकी फ़ीस का दोबारा बता देते हैं, 100 है OBC जनरल के लिए, SC के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और लास्ट डेट 25 अक्टूबर से है, और कोई भी कैंडिडेट इस गैस में ना रहे जी, लास्ट डेट में फिलअप कर देंगे। लास्ट डेट में पहले रिकमेंड कर दूँ, इसमें कोई भी साइट नहीं चलती है। SC की कई बार लास्ट दिन अटकती है, वैसे 2-3 दिन पहले चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन का ये लिंक भी प्रोवाइड इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करवा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। और इस चैनल पर अगर आप पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर, ताकि आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिले और थोड़ा हमारा भी हौसला हो, और नई नई ऐसे पोस्टें आपको टाइम टू टाइम एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की सब कुछ प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है जी। थैंक यू।